भाई यार भोपाल में दिन भर से बारिश हो रही है, देख रहे हो आप लोग। 3-4 दिन से ऐसा ही माहौल है भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MP का लड़का में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मेडिकल कोडर की लाइफ क्या होती है और उसे क्या करना होता है दिन भर। तो भाई अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, फिलहाल मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया था 8:30 बजे, क्योंकि 8:30 बजे की टाइमिंग है, हमें उतने टाइम पे ऑन करना होता है। ये देखिए मेरा लैपटॉप चालू हो चुका है भाई, अब मुझे इस पे काम करना स्टार्ट करना है। भाई एक मेडिकल कोडर को करना क्या होता है, जो US के पेशेंट होते हैं उनकी एक फाइल बन के आती है, उसमें जो जो भी डायग्नोसिस या बीमारियाँ होती हैं उसको हमें निकालना होता और कोड करना होता और फिर एक सॉफ्टवेयर में हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो बस यही रहता है करने को, लगता तो कहने में इजी है पर लेकिन जो होता है वो हम ही जानते हैं। तो बस यही करना होता है और वो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा नहीं सकता ऐसे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो भाई रिस्क है। अब बस गए हैं 10:30 और 10:30 बजे के करीब हम ले सकते हैं टी ब्रेक। तो टी ब्रेक के नाम पे हमारे लिए रखे हुए हैं बर्तन, तो अभी बर्तन धुल लें और फिर खाना बनाएंगे। चाय तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर बाहर रहते हैं तो आप चाय पीना छोड़ ही देते हैं भाई, या फिर पीते भी हैं तो होटल पे जाके पी आते हैं, फालतू में बनाने का काम नहीं रखते हैं इधर ही रूम पे। हाँ जब कोई आता है अपने रूम तब ज़रूर हम लोग चाय बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलो अभी हम धोएंगे बर्तन और फिर उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, फिर अभी काम तो भी बाकी है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. तो भाई बर्तन धुल गए हैं, अब दाल और चढ़ानी है। लो भाई दाल भी चढ़ा दी, अब फिर से अपन काम करते हैं। थोड़ा सा काम भी हो गया और अब दाल भी पक गई, तो दाल कर लेते हैं फ्राई। टमाटर प्याज लहसुन और मिर्ची काट ली और कढ़ाई भी चढ़ा दी भाई, और इस पे डालते हैं अपन तेल। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इस पे डालेंगे जीरा मिर्ची और लहसुन, और ये पकने के बाद इस पे डालेंगे हम प्याज, और ये भाई प्याज भी डाल दी। और प्याज जब अच्छी तरह से पक जाएगी तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो भाई प्याज पक गई और अब डाल दिए हमने टमाटर, तो टमाटर को थोड़ा देर चलाएंगे और जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे भाई तो इसके बाद क्या करेंगे, हम डाल देंगे इस पर अपनी दाल। तो भाई टमाटर पक गए और अब डाल देते हैं दाल, और भाई ये हो गई अपनी दाल फ्राई, तो मस्त लग रही है ना। तो भाई अब लगा लेते हैं आटा, और ये वीडियो भाई बड़ी मुश्किल से बन रही है क्योंकि एक हाथ से काम करना पड़ रहा और एक हाथ में है फ़ोन, लेकिन कोई बात नहीं बनाते हैं। तो भाई अब हम लगाने लगे आटा, तो आटा भी लग गया और अब बनाते हैं रोटी। और ये भैया ट्राईपॉड पर रख दिया फ़ोन और अब बनाने लगे रोटियाँ। तो भाई रोटी देखने के बाद लास्ट में आप लोग बताना 10 में से कितने स्टार दोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो और ये भाई अपन रोटी बेल रहे, और ये बेल गई भैया अपनी रोटी, है मस्त एकदम गोल बनी है ना। हाँ तो और अब इसको रख दिया अपन ने तवे पे, और अब पलट देते हैं इसको हम, और भैया ये पलट दिए और अब ये दूसरी साइड से भी हो गई। तो अब हम इसको रखते हैं सेकने को, तो अरे फूल गई भाई एकदम मस्त बनी है ना। कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर दिया भाई, वैसे मैक्सिमम रोटी फूलती हैं, पहली बार थोड़ा ना बना रहे भाई। तो भाई दाल और रोटी बनाकर खा ली, अब हम फिर से बैठते हैं काम करने को। और भाई देखो यही लाइफ रहती है वर्क फ्रॉम होम करने वाले की, मैं तो बता दूँ।
और अभी आज तो मीटिंग नहीं है, नहीं तो 1-1.5 घंटे तो मीटिंग में ही चले जाते हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई आपके चार्ट में तो आपको क्वालिटी ऑडिटर कॉल करेगा और बोलेगा भाई ये गलती क्योंकि ये वे फलान ढिकान सब बोलते रहते हैं, ये चलता है। तो भाई अब बच गए हैं 6 और मेरा काम हो गया ख़त्म। तो अब भाई मैंने लैपटॉप वैपटॉप तो बंद कर दिया अपना, और अब मैं चलने वाला हूँ छत पे। तो वहाँ थोड़ा देर बैठूँगा और आराम से हवा खाऊँगा। तो भाई अब मैं आ गया हूँ अपने रूम की छत पे। तो भाई ये छत वही है जहाँ पे मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट किया था। तो भाई बारिश भी आ गई अब, तो फिलहाल अब नीचे जाना पड़ेगा। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चली।